देश जब गुलाम था, क्रांति की पुकार उसकी थी। सदियों की ठंडी बुझी राख अब सुग भुगा उठी। देश जब आजाद हुआ, न्याय की गुहार उसकी थी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। देश जब हारा, शब्द की ललकार उसकी थी। तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। देश जब जीता, तो गीतों में खुशियों की मल्हार उसकी थी। सिंहासन खाली करो के जनता आती है। करोड़ों दिलों में जलने वाली मशाल जिसकी थी। सिंहासन खाली करो के जनता आती है। वो राष्ट्र कवि शब्द भेदी सामर्थ्य भरी जय जयकार जिसकी थी। सिंहासन खाली करो के जनता आती है। आज एक सफर शुरू हुआ है आप सबके साथ। ये सफर है कल्पना का, कल्पना को बांधने वाले शब्दों का, शब्द को आकार देने वाले बंध का, और बंध को युतिमय बनाने वाले छंद का, छंद में ढलने वाली लय का, लय को गुनगुनाने वाली ताल का, ताल को स्वरूप देने वाले गीत का, और प्राणों में उतरने वाले संगीत का। ये एक ऐसी दुनिया जिसमें शब्दों की यात्रा है, जो आपके मन से निकल कर हर पल कुछ नया गढ़ती है, आपकी आंखों के आगे एक नई रचना के रूप में आपको ही पढ़ती है। इस यात्रा को तय करना मेरा सौभाग्य है। नीरज जी ने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हमारा ये सफर भी, यात्रा भी उन कवियों के साथ प्रारंभ होगी जो केवल कवि नहीं बल्कि महाकवि हैं, रचनाकार के रूप में भी और उनकी रचनाओं के आकार के रूप में भी, जिन्होंने माँ हिंदी को धन्य किया है। मैं कुमार विश्वास इस कविता की अनंत अक्षौणी सेना का सबसे छोटा सिपाही और माँ हिंदी के आंगन का सबसे छोटा छात्र आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरुआत कैसे करें? सूरज की वंदना से, सूर्य नमस्कार से, कविता के इस असीम आकाश के उस सूर्य के साथ जिसकी रचनाएं सड़क से लेकर संसद तक और जिल से लेकर जन जन तक हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बना कर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, बढ़ते आ रहे हैं वे। ये कविता दिनकर ने 1946 में लिखी, जब सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, और दिनकर अपनी कलम से जनता की बेचैनी और आजादी पाने की छटपटाहट को कविताओं में अभिव्यक्त कर रहे थे। दिनकर ने जिंदगी के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष किया। उन्होंने खुद कई बार कहा कि उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, जिसमें उनके भाइयों के परिवार भी शामिल थे। दिनकर कर्ज लेते रहे, कर्ज चुकाते रहे, और इसके लिए नौकरियां बदलते रहे। दिनकर ने 1934 से लेकर 1945 तक अंग्रेजों के निबंधन विभाग में बतौर सॉन्ग पब्लिसिटी ऑफिसर काम किया। अपनी लेखनी की वजह से उन्हें नौकरी भी मिली, और इसी लेखनी की वजह से उन्हें नौकरी में कई दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां बड़ा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था, वहीं नौकरी करना भी कम मुश्किल नहीं था। परिवार की चुनौती पैसों की थी, और नौकरी में दिनकर के विचार स्वयं दिनकर के सामने चुनौती बनकर खड़े हुए थे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। सर दिस मीन इज दिस योर्स मिस्टर सिंह? यस सर, इट्स माइन। यू आर अ गुड पर्सन मिस्टर सिंह, यू आर अ डिसिप्लिन मैन हु इज वेरी इफेक्टिव। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड विथ योर कॉम्प्लीमेंट्स।
You could easily make this big. You can get a bigger salary, a promotion, but you have to stop all this nonsense, Mr. Singh. What is the need for someone as intelligent as you to want to invite trouble? किसी अफसर ने, परिवार ने, मित्रों ने दिनकर से पूछा तो होगा कि ऐसी आंदोलित करने वाली कविताएं लिखकर मुसीबत में पड़ने की आवश्यकता क्या है। मगर वो रचनाकार इस बात का क्या जवाब दे सकता है जिसके लिए लिखना कोई चॉइस नहीं हो, विकल्प नहीं हो, आत्मा की पुकार हो। अगर आप कवि हैं, रचनाकार हैं, तो लिखना आपको होने का वजूद देता है, आपको आपकी पहचान देता है। जिंदा रहने के लिए जिस तरह सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह एक रचनाकार के लिए सृजनरत रहना उसके अस्तित्व की पहचान है। दिनकर को भी पता था कि लड़ाई के मैदान में नैतिकता से समझौता नहीं किया जा सकता। आखिर क्रांति की मशाल जल रही थी, रण चल रहा था। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्पर गए रही सुधर भूधर से लिए रक्तरंज शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करके गर्जन कबीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। ये पंक्तियां रश्मि रथी की हैं जो दिनकर ने 1954 में लिखी, मगर उनकी कविताओं में अंग्रेजों के खिलाफ समाज में फैले असंतोष का सच उनकी लेखनी में काफी पहले से ही उभरता रहा। सच लिखने की ये जिद कुछ ऐसी थी कि 1938 से 1943 के 5 साल के बीच दिनकर के 22 तबादले हुए, मगर इन बदलियों ने दिनकर की कलम की धार नहीं बदली। ये बदलियों की काली बदली हमारी कविता के दिनकर को ढक ना सकी। और इसी दौर में दिनकर ने लिखा, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिनकर ने अंग्रेजी सरकार के विरोध के चलते कई नौकरियां छोड़ी, मगर अपना मूल काम सर्जना लिखना नहीं छोड़ा। उल्टा हुआ ये कि वक्त के साथ साथ स्थानीय अखबारों में छपने वाली कविताएं अब राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। दिनकर अपनी लोकप्रियता के शीर्ष की ओर धीमे धीमे सधे और मजबूत कदमों के साथ यात्रा करने लगे। नख दंत देख मत हृदय हार, गृह भेद देख मत हो अधीर, अंतर की अतुल उमंग देख, देखे अपनी जंजीर वीर। यह पवन परम अनुकूल देख, ये देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। ऐसे ही लेखन की वजह से दिनकर पर मुकदमे हुए, नोटिस मिले, तबादले किए गए, लेकिन दिनकर की धारदार कलम हर मुकदमे और हर अत्याचार पर भारी पड़ी। इस सब के बीच परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी लगातार दिनकर के कंधों पर हावी रहा। इन दबावों के बावजूद 1945 में जो दिनकर ने एक बार नौकरी छोड़ी तो फिर दोबारा किसी अंग्रेज के दफ्तर का मुंह नहीं देखा और निकल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से, दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं रोग, लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। दिनकर को कर्ण बहुत प्रिय है और उन्होंने कर्ण को समर्पित एक पूरा महाकाव्य लिख डाला, एक ऐसा महाकाव्य जिसे पढ़ने के बाद भारतीय मनीषा में कर्ण को समझने की एक नई दृष्टि जागृत हुई। वही जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनलगो, जिस नर में भी बसे हमारे, नमन तेज को बल को। ठीक, फिर हम लोगों को उनको पाठ करते देख करके ऐसा असर हम लोगों को पड़ा
कि हम लोग सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके रश्मिरथी का पाठ किया करते थे। रश्मिरथी काव्य जब ख़त्म हुआ था लगभग 3 बजे दिन में ख़त्म हुआ था, मुझे फ़र्क हुआ, उसमें से जो निकले उनकी आँख लाल भभूका एकदम, जो खूब रोए इस तरह का। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। पूछो मेरी जात शक्ति से, हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। कर्ण की इसी अवख्यायित महानता को लोगों तक पहुंचाने वाले हम हिंदुस्तानियों के भीतर चेतना क्रांति की एक शब्द वाली लौ जगाने वाले, आम हिंदुस्तानियों की भावनाओं को शब्द देने वाले रामधारी सिंह दिनकर, उनकी इस धरती पर यात्रा शुरू हुई 23 सितंबर 1908 में। उनके बचपन का नाम ननुआ था, पिता बाबू रवि सिंह किसान थे और माता मनरूप देवी गृहिणी। ननुआ जब 8 साल का ही था कि पिता नहीं रहे, परिवार आर्थिक मुश्किलों में घिर गया। शायर मुनव्वर राना ने कहा भी है कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। पिता की इस असमय मृत्यु के समय गाँव वालों ने मिलकर परिवार का छप्पर उठाया। तमाम तकलीफ़ों के बीच माँ मनरूप परिवार को संभालती रहीं। बचपन से ही मेधावी थे रामधारी, लगन मेहनत स्मरण शक्ति और त्वरा में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस पैसों की, परिवार का खर्च ज़्यादा था और आमदनी कम। आराम से खा। घर पर पतझर आया तो कुछ नई कौपलों को समझौते करने ही पड़े। बचुआ, पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ननुआ पढ़ेगा। क्यों सत्य? रामधारी सिंह दिनकर के बड़े भाई बसंत सिंह के इस एक लाइन के फैसले ने इतिहास रच दिया। पैसों की कमी से खुद न पढ़कर सिर्फ ननुआ को ही पढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया गया। इसमें छोटे भाई सत्यनारायण ने अपना स्वर मिलाया और रामधारी की स्कूल से घर और घर से स्कूल की दौड़ शुरू हो गई। एक बार फिर से बोलते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया न छाड़िए, जबलक घट में प्राण, जबलक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ननुआ को रेस लगाने का कोई शौक नहीं था, न ही वो कभी पढ़ाई से भागा, न जिंदगी में किसी चुनौती से। घर के लिए आखिरी नाव पकड़ने के लिए आखिरी क्लास को बीच में छोड़कर भागना उसकी मजबूरी थी और हर रोज गंगा पार कर 15 किलोमीटर दूर स्कूल जाना उसका शौक। अरे चले भैया। अरे बस रुक जाओ, चलते हैं, रुक जाओ, आने दो उसको। लो आ गया। की नाम छो बचवा? रामधारी। अरे ननुआ है ये, रामधारी नाम है इसका। अरे जिस दिन हमारी नाव छूट गई ना, तो समझो राम जी पार नहीं लगेंगे। अरे हर के जन्म। दिनकर ने अपनी रचनाओं में जिस शक्ति का आवाहन किया है उसकी सर्जना भले ही बाद में की हो, लेकिन उसकी साधना बचपन में प्रारंभ कर दी थी। राम जी की नैया हम ही पार लगाए हैं, तभी तो राम जी लौट लौट के पास तुम्हारे आए हैं। चले आ चले। न तो आज की तरह तब बसें थीं, न जीपें, न मेट्रो। अगर कुछ था तो वो थी सिमरिया और मोकामा के बीच अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य प्रवाह के साथ बहती हुई सदा नीरा माँ गंगा। बचपन में सिमरिया और मोकामा के बीच
बहती विराट पाट वाली गंगा माँ को हर रोज अपने हाथों से पार करने की कठिनाई और सागर जैसी भव्य दिखने वाली गंगा की इस विस्तृत लहरों की शक्ति ने ही संभवतः दिनकर को लिखने के लिए प्रेरित किया होगा। अपने इस अमर काव्य को दिनकर ने 1963 में लिखा। तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। दिनकर की इस विजय यात्रा में वक्त के खिलाफ उनकी दौड़ शुरू हो चुकी थी। सिमरिया में अमृत वाहिनी माँ गंगा की लहरें पूरे प्रवाह पर थीं, तो उनके मस्तिष्क में ज्ञान का प्रवाह भी पूरे आवेग पर था। पैर में चप्पल नहीं थी, लेकिन दिमाग तेज दौड़ता था। लालटेन में तेल भले ही कम था, लेकिन आंखों में जगमगाते उजले भविष्य के स्वप्न सोने के बाद भी चमकते रहते थे। मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और अंग्रेजी भाषा की उन्होंने पढ़ाई की। माँ हिंदी का आशीष तो उनके शीश पर सदैव से ही रहा। दिनकर ने पहली कविता 12 वर्ष की आयु में लिखी और यहीं से हिंदी कविता का सूर्य उदयाचल की ओर निकल पड़ा। मंगल मूर राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बंदनु बिलो की मुकुट समझ। दिनकर जी को मानस पढ़ने की आदत 8 साल की आयु से पड़ गई। 14 वर्ष की उम्र में रामधारी के अंदर एक सामाजिक चेतना का जागरण होने लगा और इसी आयु में प्रेम ने आहट दी और उनका विवाह सामवती देवी से हो गया। अध्ययन जारी रहा, साहित्य का आकर्षण लगातार बढ़ता रहा। दोनों छोटे और बड़े भाई काम करते रहे और रामधारी पटना कॉलेज से बीए पास कर गए। ये 1925 का समय रहा होगा जिस वक्त पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग जल रही थी। दिनकर इस क्रांति से अछूते कैसे रह सकते थे, वे भी राष्ट्र यज्ञ की ज्वाला में कूद गए। ये वो वक्त था जब दिनकर परिवार चलाने के लिए निबंधन विभाग में नौकरी तो कर रहे थे, मगर नौकरी के साथ साथ अपनी कलम से राष्ट्र यज्ञ में आहुति भी दे रहे थे। 1947 देश स्वाधीन हुआ, हर तरफ उत्सव पर्व का माहौल था, लेकिन आजादी के ढोल नगाड़े ठंडे पड़ने लगे, जश्न धीमे धीमे थमने लगा, क्योंकि गरीबी अब भी बढ़ रही थी और भुखमरी के खात्मे की उम्मीद दम तोड़ रही थी। देश की बागडोर कहने को भारतीयों के हाथों में आ गई थी, मगर सत्ता और जनता के बीच चौड़ी हुई खाई उतनी ही चौड़ी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि राजतंत्र का सामंतवाद लोकतंत्र का सामंतवाद बन गया है। 1947 में आजादी के बाद दिनकर ने जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक के तौर पर नौकरी की। आजादी के आंदोलन में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के कारण आजादी के बाद भी दिनकर कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। गोपाल बाबू, ये नेता जिस भाषा में फाइलों में नोट लगाते हैं, कभी उसी भाषा में वोट मांग के दिखाए। रामधारी जी, आप और हम चाहे जो भी कहें, भले ही लोकतंत्र आ गया हो, देश तो राजा ही चलाएंगे। जनता तो बस ठप्पा लगाने के लिए है, क्यों? हालांकि सूरत ज्यादा आप ही नहीं बदली है। दिनकर आजादी से पहले जनकवि थे, सो आजादी के बाद भी वो जन की आवाज बने रहे। उन्हें उम्मीद थी कि लोकतंत्र में लोगों के मन में एक दिन ये प्रश्न उठेगा, एक दिन ये आग जरूर जलेगी, और दिनकर इसके लिए चिंगारियां बिखेरते रहे। जनतंत्र का जन्म कविता दिनकर ने 1950 में लिखी। यह कविता उद्घोष था सामंतवादी मानसिकता को सिंहासन खाली करने के लिए। कविता आजाद भारत में फैले भ्रष्टाचार और सदियों के सामंतवादी रवैये पर उनकी ललकार थी, और बाद में यही कविता 1972 के जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलित
एक बड़े जनज्वार की आवाज बनी। एक बार फिर लोगों की ध्वनि इस कविता में प्रतिध्वनित हुई। सदियों की ठंडी बुझी राख सुग भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुदमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों। जब हमें आज़ादी मिल गई तो ये राष्ट्रकवि का जो विरुद्ध है इसे इसका पालन करना बहुत मुश्किल होता चला गया। अब हमारा कोई ऐसा एम भी नहीं था, ना कोई दुश्मन था जिसके खिलाफ हमारी कोई लड़ाई हो सकती थी या राष्ट्रीयता की कोई ऐसी धारा पल्लवित होती या फूटती। उसके बावजूद उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। अब वो जो कविता है उनकी जनतंत्र का जन्म सदियों की, ये 1950-52 की कविता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दूरा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर 1950 से 1952 के बीच अध्यापन से भी जुड़े रहे। 1952 में ही दिनकर संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। 1952 से लेकर 1964 तक वो तीन बार राज्यसभा में आए। राज्यसभा में दिनकर ने कई यादगार भाषण दिए और सामाजिक न्याय के प्रति अपने विचारों की गहरी छाप छोड़ी। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार ने दिनकर को अंदर तक झकझोड़ दिया। इस हार के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं नेहरू जी की विदेश नीति को जिम्मेदार माना और 1963 में कांग्रेस के सांसद होने के बावजूद राज्यसभा में कवि धर्म निभाते हुए दिनकर अपने प्रिय नेता नेहरू की आलोचना करने में भी नहीं झिझके। भगवान करे कि अब लड़ाई ना हो और भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा यदि शांति और सद्भाव के मार्ग से प्राप्त कर सकता हो तो उसे कर दीजिए, क्योंकि नेफा एक बहुत बड़ा सबक है जिसे हिंदुस्तान को भूलना नहीं चाहिए। और वो सबक ये है कि हमसे गलती हुई है और इतिहास एक जाति को दो बार क्षमा नहीं करता। लेकिन उनके विरोध और विद्रोह के स्वर की आंच धीमी नहीं पड़ी। उन्हें ये बात लगातार सालती रहती थी कि आजादी के बाद सत्ता तो बदली लेकिन सत्ता के तौर तरीके हैं कि बदलने के लिए तैयार नहीं। उपाध्यक्ष जी, बड़े अचरज की बात है कि हमारे देश के चोटी के नेता जब भी विश्व शांति की बात करते हैं तो वे ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कवियों और संतों को बोलना चाहिए और जिस तरह की भाषा राजनीतिज्ञों के मुंह से शोभा नहीं दे। विरोधियों के लिए ही नहीं, अपनी पार्टी यानी कांग्रेस की नीतियों से भी दिनकर अक्सर खफा रहते। झंझा झकोर पर चढ़ो मस्त झूलो रे, वृंतों पर बन पावक प्रसून फूलो रे, दाएं बाएं का द्वंद्व आज भूलो रे, सामने पड़े जो शत्रु शूल हूलो रे। आजादी का उत्सव अभी थमा भी नहीं था कि देश चीन से युद्ध में हार गया। देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वयं अपने नेता जवाहरलाल नेहरू की शांति नीति पर दिनकर को काफी क्रोध आया और उस समय दिनकर ने कवि धर्म निभाते हुए कहा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज वे फिर करें प्रलय नृत्य एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार।
लोगों ने यह माना कि यह कविता देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर है, जो चीन से हार के बाद दुखी भी थे और बीमार भी, और सारा देश उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहा था। इस कविता में यह भी माना गया कि दिनकर ने नेहरू जी को ही युधिष्ठिर कहा है, और इसीलिए कांग्रेस में उनकी इस कविता को लेकर काफी विरोध हुआ। दिनकर को यह पता था, लेकिन वे सतर्क थे और सावधान भी। दिनकर जी, यूं तो आपकी कविता हर जगह पसंद की जा रही है, मगर उसका ऐसे मौके पे पढ़ा जाना बहुतों को पसंद नहीं आया। हाँ, कविता तो आपकी ठीक है, मगर ये राजनीति है, ऐसे में विरोधियों को जबान खोलने का मौका मिल जाता। अगर आप अपनी पार्टी का इतना विरोध ना करते तो बेहतर होता। अरे क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको चीनी खाने से मना किया है। सलाह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए, वैसे ही डॉक्टर के सलाह की भी ऐसी की तैसी। मगर दिनकर का विरोध नीतियों को लेकर रहा, व्यक्ति को लेकर नहीं। जहां चीन से हार पर दिनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना करते हैं, वही एक बार ऐसा सुनते हैं कवियों की परंपरा में, मैंने भी सुना अपने बुजुर्ग कवियों से, कि नेहरू जी जब दिल्ली के एक प्रसिद्ध कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर गए और मंच पर चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। अरे संभल के पंडित जी, ठीक है। शुक्रिया दिनकर जी। इसमें शुक्रिया कैसा पंडित जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, साहित्य नहीं उसे संभाला है। दिनकर देश के स्पंदन के कवि हैं। जहां चीन से पराजय ने दिनकर को दुखी किया, अंदर तक तोड़ दिया, वहीं जब भारत स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से पहला युद्ध जीता, तो दिनकर लाल किले पर होने वाले अपने कवि सम्मेलन में मुखर हो उठे। उन्होंने कहा, ना तो ये देश के प्रधानमंत्री की विजय है, न किसी और की विजय है, ये देश के कवि की विजय है, क्योंकि चीन से पराजय के बाद मुझे पक्षाघात हो गया था और इस विजय ने मुझे दोबारा स्पंदित किया है, जीवित किया है। मगर फिर मुनीर नियाजी का शेर है, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। कुछ ऐसा ही स्वभाव दिनकर का भी था। राजनीति के गिरते स्तर से वे दुखी रहते थे। दिल्ली की बिछी सुंदर सी लुटियंस की रंगरेलियां और बड़े बंगलों में अटखेलियां करती हुई मखमली घास दिनकर को चुभने लगी। कहीं अपनी शस्य श्यामला भारती के आंगन में खेलती हुई उपज को देखने वाले दिनकर बेचैन रहने लगे और स्वयं कह उठे, मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों का बोझ किसी विद सहता हूँ, मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ। गंदगी गरीबी मैलेपन को दूर रखो, शुद्धोधन के पहरे वाले चिल्लाते हैं, है कपिल वस्तु पर फूलों का श्रृंगार पड़ा, रथ समारूढ़ सिद्धार्थ घूमने जाते हैं। दिनकर ने यह कविता दिल्ली शीर्षक से 1954 में लिखी। ये राजधानी दिल्ली के राजनेताओं और जनता के दुख दारिद्र के बीच की गहरी होती हुई खाई पर दिनकर की कविता के माध्यम से एक गहरी चोट थी। जहां राजकुमारों की तरह नेता अपने अपने रथ पर सवार हैं और जनता की दुर्दशा से दूर हैं, न वे सच जान पाते हैं और सत्ता की इस चकाचौंध ने उनकी दृष्टि पर फूल डाल दिए। 1964 में राज्यसभा से इस्तीफा देकर दिनकर भागलपुर लौट आए। दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आधी सदी तक मां हिंदी की सेवा करने के लिए उन्होंने स्वयं को अर्पित किया। इसी साहित्य सेवा के लिए देश ने उन्हें साहित्य अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो वो जो कुआं था, वो गांव की जो आखिरी झोपड़ी थी, उसके बाहर जो जंगल था वहां पर था। लेकिन इस दीर्घ सेवा के पथ पर कोई घुटन थी जो संभवतः उन्हें परेशान कर रही थी, व्यथित और बेचैन करती थी। उस कुएं में दिन में भी अंधेरा। 1964 में दिनकर राज्यसभा से इस्तीफा देकर भागलपुर लौट आए। अब अपने पसंदीदा काम को छोड़ना भी तो आसान नहीं है। उर्वशी के रचनाकार की रातें बेचैन थी।
हो सकता है कि वो राजनीतिक और सामाजिक संवेदनहीनता रही हो जो उनकी कविताओं में बार बार परिलक्षित होती रही। अरे ये आज की तुम्हारी तीसरी कहानी है, अब कल सुनाऊंगा। वैसे भी देखो तुम लोगों के चेहरे कितने डरे हुए हैं। हाँ, घर में उनको बच्चों से बहुत प्रेम था, सबको बहुत स्नेह देते थे, बच्चों को लेके घूमने जाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, भूत की कहानी बच्चों को सुनाते थे। कोई बच्चा उनमें चिपक रहा है, डर रहा है, तो कोई कुछ अपना बोल रहा है, ऐसे कैसे हुआ बाबा, क्या हुआ था बाबा, कहानियाँ सुनाया करते थे। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती? अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह हुई बंधनी बता किस घर में, समर शेष है, समर शेष है, इस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथरोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। 66 साल के हो चुके दिनकर वर्षों की अनवरत मेहनत और पारिवारिक दबावों के चलते बीमार रहने लगे। इसी दौरान उन्होंने अचानक एक दिन रामेश्वरम के तिरुपति मंदिर जाने का फैसला किया। दद्दू, सुना है आप तिरुपति जा रहे हो, हमारे लिए क्या लाओगे? अच्छा मेरी छोड़ो, व्यास जी के लिए क्या लाओगे, वो तो आपके प्रिय मित्र हैं। मैं जो मांगने तिरुपति जा रहा हूँ वो मैं तुम में से किसी के लिए नहीं मांग सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति को हो ही जाता है, ये बात बालकवि बैरागी ने कही थी। आने वाली मृत्यु का एहसास होते ही दिनकर जी ने इच्छा जाहिर की थी कि अगर उनकी जिंदगी के कुछ दिन बचे हों तो वो जयप्रकाश नारायण को मिल जाने चाहिए। जेपी उन दिनों देश भर में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अनाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, मगर उनकी तबीयत खराब थी। दिनकर भी जब दक्षिण में दर्शन के लिए तिरुपति मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु के विग्रह के सम्मुख अपनी प्रिय रचना रश्मि रथी का पाठ शुरू किया। यूं ही बिना किसी सोच विचार या तैयारी के शुरू किए हुए इस अद्भुत पाठ को सुनने के लिए मंदिर के प्रांगण में धीरे धीरे सैकड़ों लोग जमा होने लगे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाख मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जग जीव क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, इस अभूतपूर्व काव्य पाठ के बाद महाकवि दिनकर ने विष्णु पत्नी लक्ष्मी के जनक समुद्र से कहा, मैंने तुम्हें
और तुम्हारे दामाद को इतनी सारी कविताएं सुनाई। अब तुम दोनों मिलकर मुझे मेरी दक्षिणा दे दो और दक्षिणा में मैं तुमसे मृत्यु मांगता हूँ। और उसी रात रामेश्वर के तीरथ जल में हिंदी का सूर्य अर्थात दिनकर सदा के लिए अस्त हो गया। उधर बाल कवि बैरागी ने कहा, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीरथ जल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिटक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिप विशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें क्या कहते हो, वह चला गया अधघायल माता हिंदी को, वह बांध हिचकियां रुला गया। मरता है केवल मर्त्य मनुज, वह अमर कहां मर सकता है। हम कांधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने तिल भर हम उसको भर न सके। पर संभव हो तो सुनो आज यह इस वंशज की वाणी है, संस्कार तुम्हारा बोल रहा यह गिरा अमर कल्याणी है, यह गिरा अमर कल्याणी है। हिंदी भाषा को समर्पित एक जीवन समाप्त हो गया। देश और समाज की क्रांति को अपनी शब्द क्रांति में परिवर्तित करने वाला हिंदी का सूर्य डूब गया। इतिहास हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले एक अद्भुत साहित्यकार के रूप में स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी को सदैव स्मरण रखेगा।